जनपद कन्नौज में एग्जिट पोल से डिंपल यादव की हार सुनकर सदमे में गए एक सपा कार्यकर्ता ने भगवा वस्त्र पहनकर गंगा तट पर जीत के लिए साधना में लीन हो गया। उसकी आसाधना कल चुनाव परिणाम आने तक चलेगी। एग्जिट पोल में जिस तरह से महागठबंधन की कैंडिडेट डिंपल यादव की हार दिखाई जा रही है, उससे आहत होकर एक सपा कार्यकर्ता जगमोहन यादव ने गंगा के किनारे साधना करने की ठानी और भगवा वस्त्र धारण कर वहाँ ओम नमः शिवाय का जाप कर साधना में लीन हो गया। उसका कहना है कि डिंपल यादव की जीत के लिए वह चुनाव परिणाम आने तक गंगा के किनारे बैठकर निरंतर मंत्र जाप करते हुए साधना में लीन रहेगा। आप यहाँ पर किस प्रायोजन से गंगा तट पर साधना में लीन है? कल मैं जगमोहन सिंह यादव, कल हमारे लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। मैं लोकप्रिय सांसद माननीय डिंपल यादव की जीत के लिए बूरी घाट गंगा तट पर 23 तारीख शाम तक बैठ कर साधना करूँगा और जब मतगणना का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं अपनी साधना को करूँगा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। कुठौन जनपद पुलिस को एक शानदार सफलता हाथ लगी है। जनपद पुलिस द्वारा 4 ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जो ज्यादातर यात्रियों के साथ चोरी व लूटपाट करते थे। इसी के चलते जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद ने पुलिस कार्यालय में किया। उन्होंने बताया कि लुटेरे ज्यादातर अपना शिकार ऐसे लोगों को बनाते थे जो कहीं दूर दराज जा रहे होते या फिर कहीं से आ रहे होते। यह लुटेरे दूसरे जनपद से हैं। इनकी गैंग में 5 लोग हैं जिनमें से एक सुनार अभी फरार है जिसकी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जिसके पास से 2 लेजी अंगूठी, 1 बेंदा सोने का, 2 चाकू, नशीला पाउडर 620 ग्राम, 12,000 रुपए नगद मिले। लुटेरों के नाम आसिफ उर्फ कादी पुत्र मुन्ना कुरैसी, साजाद पुत्र कल्लू कुरैसी, नीलू उर्फ वीरू कश्यप पुत्र नरेंद्र चंद्र, सुनील सोनी पुत्र ओमकार सोनी हैं। आज थाना कुठौन पुलिस जनपद जालौन के द्वारा 4 साथी लुटेरे पब्लिक टप्पेबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। ये सभी टप्पेबाज शातिर लुटेरे हैं और अंतर जनपदीय हैं। औरैया से लेकर के जनपद जालौन और झांसी तक ये लूटपाट करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बसेज में या अन्य वाहनों में जो अपने बैग को थोड़ा सा लेट लतीफ रखने में करते हैं, उनको ये नीचे से खड़े होकर के वाच करते रहते हैं। और जब इनको पता चलता है कि ये दिक्कत कर रहा है तो इस आधार पर कि इसमें कुछ रखा हुआ है, ये उसके पीछे लग जाते हैं और षड्यंत्र करके उनके बैग में ब्लेड मार देते हैं या फिर किसी तरह से उसकी चाबी खोल करके उसको जो है उसमें रखे हुए सामान की चोरी कर लेते हैं। फिर इसमें कितने ग्रोह हैं और कितना माल बरामद हुआ है? अब वर्तमान समय में इसमें 5 सदस्य हैं जिसमें से 4 गिरफ्तार किए गए हैं। एक सुनार बाकी है जो इनके सभी सामानों की खरीदारी करता है। सर, ये कितनी का माल बरामद हुआ है? अभी इनके पास से करीब 2 लाख का सामान बरामद हुआ है और इनके द्वारा करीब 8-10 लाख की जो है इस तरह की घटनाएँ की गई हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। जनपद बदायूं में थाना हजरतपुर के ग्राम पिपला में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों को देखते ही ग्रामीण दौड़ पड़े। तब तक आग ने 3 घरों को जलाकर राख कर दिया। आग में चंद्रपाल पुत्र केसरी, मोर सिंह पुत्र चंद्रपाल, उमराय पुत्र द्वारका के घरों को जलाकर राख कर दिया। घरों में रखा अनाज, भूसा, कपड़े, गृहस्थी का सारा सामान जल गया। आग बुझाने के चक्कर में मोर सिंह पुत्र चंद्रपाल, संगीता पत्नी मोर सिंह, संजीवी पुत्री मोर सिंह पूरी तरह झुलस गए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 से बदायूं जिला अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही हजरतपुर थाना अध्यक्ष राकेश चौहान फोर्स की घटना स्थल पर पहुंचे। साथ में हल्का कानून गो राजपाल सिंह व लेखपाल ने पहुंचकर जानकारी ली। TV1 इंडिया न्यूज के लिए बीरपाल सिंह की रिपोर्ट, बदायूं।
जनपद बरेली के गांव बड़सर बंजरिया में अचानक जंगली सुअर घुस आया, जिसने गांव के कई लोगों पर हमला किया। गांव के सभी लोग जंगली सुअर की चपेट में आने से बच निकले। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि जंगली सुअर लोगों पर हमला करते हुए मकान में जा घुसा, जिसमें मौके पर कोई मौजूद नहीं था, तो गांव के लोगों ने मकान को बाहर से बंद कर दिया। वहीं लोगों ने बताया कि जंगली सुअर मकान की छत पर चढ़कर जब छलांग लगाई तो पड़ोसी के घर में खेल रहे बच्चे पर जा गिरा, जिसमें बच्चा जख्मी हो गया और वहीं पास में एक महिला और बच्चा भी जंगली सुअर की चपेट में आ गया। गांव के लोगों का कहना है, गांव में बचाव सहायता के लिए ना पुलिस पहुंची और ना ही वन विभाग की टीम। क्या बेटी की चोट लगी, कैसे लगी है? जंगल से जो सुअर आया था जंगली, वो घर में घुस गया, घर वालों ने उसे बंद कर दिया। सोचा 100 नंबर को फोन करके इसे पकड़ा देंगे, लेकिन वहाँ पे मतलब जो पब्लिक इकट्ठी हो गई उसमें लड़की बीमारी पहुँच गई, तो वो जीना से चढ़ के छत पे पहुँच गया सुअर, और जब छत से उसने छलांग मारी तो हमारी लड़की के सिर पे गिरा। सिर पे गिरा तो उसके नहीं पता उसके पंजा लगा या उसके मतलब उसका मुंह लगा है इतने बीच का, इतना माथा फट गया उसका। और भी कितनी चोट लगी गांव में? और हमारी नंद है चचेरी, उनके लगी है, भनेजी उनकी गोदी में 1 साल का लड़का, हाँ उनके भी लगी है। तो सुअर पकड़ लिया गया, ये भाग गया? सुअर भाग गया, पकड़ना है मेरे। ये घटना कब की घटना, कितने बजे की घटना है? घटना है लगभग 1 बजे की। 1 बजे की घटना। सूरज, सूरज जी क्या मामला हुआ था पूरा, क्या जंगल घुसा, क्या हुआ? अरे वो उसके घर में घुस गया आके, हम लोग तो देखने गए, हमें तो पता नहीं, अब वहाँ सब लोग देख रहे हैं तो हम भी चले गए। अब वो छत पर से फांदा तो बच्चों के ऊपर गिरा। तो आप को कहीं चोट लगी यहाँ पे? आप कहीं चोट लगी आपके? हाँ भागे थे, ये चोट जहाँ हमारी लगी। ये क्या उसने पंजे मारे, दांत मारे, क्या मारा है? अब जा पता ना कहाँ लगो साहब। जावित्री, क्या हुआ, आपकी बेटी को भी चोट लगी है, क्या हुआ है? मतलब सुअर कूदो बालकन लड़की के ऊपर। अच्छा, कितनी बड़ी बच्ची है? करीबन 20 साल की। अच्छा, कैसे लगी है, क्या हुआ था? कूदो बाके ऊपर के लिए बाके ऊपर हमला करो, और दूसरी लड़की तो वह संग में मतलब बाऊ लड़की बाको काटो जाने के ना पता पंजा लगे। अच्छा, आपकी बेटी की चोट कहाँ लगी है? हमारे सर में गुम चोट है। उनकी भी गुम चोट लगी है। हाँ। तो फिर वो सुअर भाग गया या पकड़ लिया गया है? सुअर भाग गया। भाग गया। हाँ। ये जो इनकी चोट लगी है कौन है आपकी? ये भांजी है। इनको क्या हुआ था पूरा मामला? जंगली सुअर आ गया गांव में। अच्छा, उसके हमले उसने हमला करा इस पे। करीब गांव में कितने लोगों पे इसने हमला किया है? हमला तो काफी लोगों को हुआ, लेकिन चपेट में जो है 3 ही लोग आए। कितने बजे आया था? 1 बजे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कोई किसी की मदद, कोई पुलिस वगैरह आई मदद के लिए? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए फिरासत खान की रिपोर्ट, बरेली।